और इस चिप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसमें फेस आईडी का सेंसर होते हैं छोटे, ये कॉल सेंसर है और ये उसका सेंसर होता है, इसलिए ये पूरी चिप चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ एयर स्पीकर चेंज करेंगे। ये एयर स्पीकर हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस पी मोबाइल ऐप। आज हमारे पास है आईफोन 12, इसमें इशू है एयर स्पीकर। इसका एयर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, बट ये वर्क नहीं कर रहा। तो अभी हमें इसको रिप्लेस करना होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा इसको रिप्लेस करने का मेथड। सबसे पहले इसको अनस्क्रू करेंगे, के बाद इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, इसके नीचे वाटर रेजिस्टेंस टेप होती है उसको नॉर्मल करने के लिए थोड़ा हीट करना पड़ता है। बिल्कुल थोड़ा सा हीट करने के बाद ओपनर के लिए ओपनर लेंगे इसको, थोड़ा सा ओपनर अंदर इसके इंसर्ट करके यहाँ पे आप थोड़ा सा 530 या कोई दूसरा लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलईडी होती है तो इसमें कोई इशू नहीं है लिक्विड का। इसको हल्का सा आपने ऊपर उठाना है, हल्का सा उठाएंगे, उसके बाद अपने नाखून के ज़रिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ट्वीज़र के साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से करना होता है, इसका डिस्प्ले बहुत सेंसिटिव होता है। उसके बाद इसको पूरा यहाँ से रिमूव कर लेंगे टेप को, और ये हो गया ओपन। सबसे पहले इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे, यह इसकी बैटरी का जैक है। सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद एयर स्पीकर वाले हिस्से को अनस्क्रू करेंगे। फिर उसका जैक रिमूव करेंगे और फिर डिस्प्ले का जैक रिमूव करेंगे। यहाँ हमारे पास एक न्यू
एयर स्पीकर है, इसको लगा के चेक कर लेंगे, पहले टेस्ट कर लेंगे इसको पहले से। इसे लगा के डिस्प्ले लगाएंगे, और उसके बाद बैटरी का चेक लगा के इसको चेक कर लेंगे। देख सकते हैं इसका स्पीकर वर्किंग कर रहा है। इसको पावर ऑफ करके सबसे पहले हमने बैटरी का जैक उतारना है, उसके बाद डिस्प्ले का, फोन को करेंगे साइड पे। इसकी हम ये पूरी स्टेप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, इसमें फेस आईडी का सेंसर होते हैं छोटे, ये कॉल सेंसर है और ये उसका सेंसर होता है, इसलिए ये पूरी स्टेप चेंज नहीं कर सकते। इसको सिर्फ एयर स्पीकर चेंज करेंगे, यहाँ से इसको एयर स्पीकर को रिमूव कर लेंगे स्टेप से आयरन की मदद से। थोड़ी फ्लक्स लगाएंगे, और ट्वीज़र के साथ इसको रिमूव कर लेंगे। ये स्पीकर रिमूव हो गया इससे। अगर आप वो स्टेप चेंज कर देंगे तो उसके फेस आईडी में इशू आ जाएगा, बाद में फेस आईडी वर्क नहीं करेंगे कि सेंसर कंप्लीट नहीं होंगे। पुराना वाला एयर स्पीकर इधर से ओपन कर लेंगे, इसके स्क्रू का आपने बहुत ध्यान रखनी, जो हम सा स्क्रू जिस साइड से उतार रहे हैं वही वहीं पे लगाना है दोबारा, नहीं तो डैमेज हो सकती है स्क्रीन। स्क्रू का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे ऊपर से, आप इधर भी इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से खोल के, और इसको रिमूव करके उसके बाद भी कर सकते हैं, तो हम इधर ही कर लेंगे, इसको पूरी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी फ्लक्स लगाएंगे, उसके बाद ट्वीज़र की मदद से इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव उसकी यहाँ से
क्या इसका हेयर स्पीकर पुराना वाला, अब इसको लगाएंगे न्यू वाला। सेम जगह पर इसको रख के आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। फ्लक्स पहले से इसको लगी हुई है, सिर्फ काफ़ी की मदद से इसको सोल्ड कर देंगे। नहीं, ये सोल्ड हो गया। सोल्ड करने के बाद इसको वहां से क्लीन कर देंगे थोड़ा। जो फ्लक्स है वो सारी क्लीन कर देनी है। इसके बाद इसको वापस से जो सा स्क्रू जहाँ से ओपन किया है इसको वहीं पे लगाना। अगर कुछ गलत स्क्रू लगा देंगे तो डिस्प्ले भी डैमेज हो सकता है इसका। हाँ, इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, ये वाटर रेजिस्टेंस टेप लगी हुई है न्यू लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। पहले एयर स्पीकर का जैक लगाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले का, टच और डिस्प्ले का, और लास्ट में बैटरी का। और फ़ोन बंद करने से पहले एक बार दोबारा इसको चेक कर लेंगे। Welcome to Edit a Lot by EM. I don't know what to do up here. And we're not what? Yeah, yes. To continue in English. I'm not doing it. I'm not doing it. Sensor bhi work kar rahe. Okay. Band kar denge aur फेस आई डी भी आप देख सकते हैं वर्क कर रही है। अगर आप उसका कंप्लीट चेंज कर देंगे तो आपकी फेस आई डी में, एक कंप्लीट स्ट्रिप चेंज करेंगे तो फेस आई डी में इशू भी आ सकता है। इसको पावर ऑफ करेंगे। और इसके शील्ड्स वापस लगा देंगे। शील्ड के स्क्रू भी आपने उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो स्क्रू जहाँ से ओपन करेंगे उसको वहीं पे लगाना वापस।
डिस्प्ले वाली शेड में लगा के बनाएंगे इसको स्क्रू। और इसको कर देंगे दुकान। स्क्रू लगाने से पहले एक बार दोबारा फ़ोन को टेस्ट कर लेंगे सारा, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। कैन नाउ बी वर्किंग, फोन कैन नाउ बी वर्किंग। फेस आईडी हमने चेक कर लिए थे, फिर स्पीकर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैं हम देख सकते हैं चल रहा है और स्पीकर भी चल रहा है। ओके सब ओके, स्क्रू वापस लगा देंगे इसको। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया डन। इसी तरह आप आईफोन का कोई भी मॉडल का एयर स्पीकर अगर चेंज करना हो तो आपको सिर्फ ये एयर स्पीकर ही चेंज करना है, ना कि ये पूरी स्ट्रिप को। मार्केट से आपको ये स्ट्रिप भी मिलती है पूरी, एक खाली एयर स्पीकर भी मिलता है इसका, लेकिन नहीं मिल रहा था पूरी स्ट्रिप मिल रही थी। जब भी चेंज करना है सिर्फ ये पार्ट चेंज करना है, वही स्ट्रिप नहीं चेंज करनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।